नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हाँ जी थोड़ा सारिया का थोड़े अपने यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेटर्स के उपर। हिस्टरी सबजैक्ट अपना चल रहा है जी, तो उस टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी सारिया चीज़ा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हाँ। नैक्सट कुछ एक चीज़ा होर जड़िया बचिया हुई ने उन्होंने बारे में आप गल करांगे, तो ध्यान दे नाल चीज़ों नोट करते जाना भी फीचर्स आप पढ़ रहे सी। उसी फीचर्स के आप कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे कुछ आप कह सकते हाँ इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने जिहड़े सानू पता होने चाहिए ने, उन्होंने उपर आप गल करांगे। पहली गल जिहड़ी आप देखने जा रहे हाँ जी कि जो साड़ी सिंधु सभ्यता है इस दे विच दास प्रथा जिहड़ी है जी, दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम, इस दे सानू सबूत जिहड़े है जी वो मिले ने। कई बार सवाल बन जाए भी सिंधु सभ्यता दे विच दास प्रथा सी, तो बिल्कुल सी ठीक। उस तो बाद अगली आप गल करिए सिंधु सभ्यता दे विच अगर अपने को पूछा जाए सती प्रथा, तो याद रखना है सती प्रथा दे जिहड़े है जी सानू सबूत जिहड़े ने वो भी मिले ने। तो सती प्रथा के सबूत सानू जिहड़े मिले ने दो थावां ने, एक है जी लोथल तो दूसरा है कालीबंगा। इन्हां दोनों थावां तो सानू कबर दे विच जोड़े कंकाल जिहड़े ने वह मिले ने ठीक है। जोड़े कंकाल मिले ने, हिंदी दे विच आपां इसनूं बोल सकते हाँ युगल शवाधान जिहड़े ने सानू प्राप्त होए ने ठीक है। तो सती प्रथा के सबूत भी आपां देखे, ये फीचर्स दे विच ही आ रहा सब कुछ, विशेषतावां ही आपां पढ़ रहे हाँ, तो उस दे विच ही इसे नूं तुसीं काउंट करोगे तो लिखते जाना सारिया ने। उस तो बाद अगली आपां जेकर गल करिए जो साडी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस दे विच जो समाज है, इस समाज दे विच नारी दी प्रधानता सी। नारी दी प्रधानता नूं आपां कह सकते हाँ कि जिहड़ा समाज है ये माता सतात्मक सी। माता सतात्मक मतलब माता दी सत्ता हुंदी सी, जिद्दां माता ने कहता उदा ही होना है। तो समाज माता सतात्मक सी, इसका सानू सबूत जिहड़ा है जी वो कित्थों मिलता है, तो याद रखना है जी नारी दियां मैक्सिमम मूर्तियां जिहड़ियां ने वो पाईयां गईयां ने ठीक है। सिंधु सभ्यता दे विच खुदाई कीती गई, तो खुदाई दे विच सानू मैक्सिमम नारी दियां मूर्तियां मिलियां ने। उसे तो ही अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता दे विच जिहड़ा समाज है वो माता सतात्मक रहा है। इस तों बाद नैक्सट आपां गल करिए सिंधु सभ्यता दे जिहड़े लोग सी उन्हां ने किस तरीके दे नाल गहने जिन्हां नूं हिंदी दे विच आपां आभूषण भी बोल दें हाँ गहनियां दा यूज़ कीता है। वैसे देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग गहनियां दे बहुत ज़्यादा शौकीन सी, सोना चांदी मिट्टी, सोना चांदी मिट्टी सीप ते हाथी दे दंदां दे बने हुए गहने जिहड़े ने इन्हां ने यूज़ कीते ने। उस तों बाद अगे अगर आपां गल करिए सिंधु सभ्यता दे जिहड़े लोग रहे ने इन्हां ने माप विधि का भी यूज़ किया है। तो माप विधि दे विच देखा जाए तो जिहड़ा इन्हां ने माप तोल किया, इस माप तोल दी जो इकाई है
ਇਹ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਇਕਾਈ 16 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਜਦਾਰੋ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਥਲ। ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਮਾਨੇ ਮਤਲਬ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੀਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਮਾਨਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਧਾਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਪਤ ਮੋਮ ਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਤੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਮ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੋਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਨਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੋਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਦੋ ਕੁਛ ਮੋਹਰਾਂ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਰਾਂ
ठीक है, मुद्रावां या मोहरां। हुण देखो जिन्नियां भी मोहरां पाईयां गईयां ने सब तो ज़्यादा जिहड़ा चित्र मिलिया है मोहरां दे उपर वो मिलिया है जी सानू एक सिंग वाले गेंडा, एक सिंग वाले गेंडे का चित्र जिहड़ा है जी सानू सब तो ज़्यादा मिलिया मोहरां दे उपर। तो जिन्नियां भी मोहरां बनाईयां गईयां ने ये बनाईयां गईयां ने सेल खरीदियां, तो इन्हां मोहरां का जिहड़ा आकार सी वह सीगा चाकोर। चाकोर मतलब चार कोनियां वाली आयातकार बोल दो या तुसी इसनू वर्गाकार कह सकते हो, ठीक है। सेल खड़ी तो आकार जिहड़ा है जी वह चाकोर हो जाएगा। एक चीज़ होर याद रखें जी, आकार दे विच अगर तुहाडे कोलों कदे पुछ लिया जावे ना मोहरां का आकार बेलनाकार, ये बेलनाकार टाइप दीयां मोहरां जिहड़ियां ने ना ये मैसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता है, ठीक है। मतलब मैसोपोटामिया सभ्यता दे विच मोहरां का आकार बेलनाकार रहा है, ठीक। उस तो बाद जिन्नियां भी मोहरां आपां गल कर रहे हैं सारियां सेल खड़ीदियां बनियां हुई ने, ते एक जगह है जिसका नाम है मोहन जोदड़ो। इस मोहन जोदड़ो तो सानू पशुपति शिव दी जड़ी मोहर है ये मिली है, ठीक है। पशुपति शिव दी मोहर जड़ी है जी सानू ये मिली है, कितों ये मिली है मोहन जोदड़ो। तो कदे भी तुहाडे कोलों पुछ लिया जावे सिंधु सभ्यता दे विच सब तो ज़्यादा मोहरां जिहड़ियां पाईयां गईयां ने वो कित्थों मिलियां ने, तो वो मिलियां ने मोहन जोदड़ो तो। ते अगर पुछ लिया जावे सब तो ज़्यादा लिखियां हुईयां मोहरां, सब तो ज़्यादा लिखियां हुईयां जो मोहरां ने वो कित्थों मिलियां ने, तो वो मिलियां ने जी सानू हड़प्पा तो, ठीक है। सब तो ज़्यादा लिखियां हुईयां मोहरां जिहड़ियां मिलियां ने वो सानू हड़प्पा तो मिलियां ने। ये कुछ खास खास गल्लां सी जिस दे उपर आपां गल करी है। हुण दो नगर तुसी होर याद रखने ने, ठीक है। दो नगर जिहड़े ने जी वो तुसी होर याद रखने ने। एक नगर का नाम है जी साडे कोले, सॉरी ये कलर थोड़ा जा डल जा ज़्यादा है भाई, हाँ थोड़ा रुको। देखो दो नगर अजिहे ने साडे कोले, एक है लोथल ते दूसरा है रंगपुर। लोथल ते रंगपुर दो अजिहे नगर ने, सॉरी लोथल और रंगपुर ने, ये हो जाएगा साढ़े को देसलपुर, ठीक है। रंगपुर ते देसलपुर इतों सानू तांबे दियां बनिया हुई मोहरां जिहड़ियां ने वो प्राप्त हुई ने। तो खास गल सी जिहड़ी आपां गल कीती है। एक चीज़ होर भी याद रखना है, आ जिहड़ा लोथल है ना इतों सानू बटन दे आकार दी मोहर जिहड़ी है वह भी प्राप्त हुई है। तो देखो मोहरां दे उपर भी खास खास चीज़ां सी गल्लां कई आपां कीतियां, सवाल इतों भी कई बार बने हुए हैं जो आपां देखे। इस तो बाद अगे चलते हैं जी, आपां हुण देखो सिंधु सभ्यता दे विच अगली विशेषता है
मृतक देह दा अंत, जिहड़ी मृतक देह है, जिवें कोई इंसान मर जाता है तो मतलब वह मृत हो गया, तो उस आदमी की जिहड़ी मृतक देह है उसका अंत किवें कीता जाएगा, इस दे उपर भी कई बार सवाल बने हुए हैं। देखो मृतक देह दा अंत करन वास्ते तीन प्रकार नाल कीता जांदा सी। एक हुंदा सी दाह संस्कार, ते दाह संस्कार तो बाद हो जाएगा आंशिक, आशिक नहीं बोल देना, आंशिक आंशिक समाधिकरण, ते दूसरा तीसरा है पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, दाह संस्कार दा तुहानू पता ही है की होएगा कि जिदा आप जिदन तुसी खत्म होंगे बई उदन तुहानू पता लग ही जाना दाह संस्कार की है, इहदा तुसी जानदे ही। आंशिक समाधिकरण का मतलब हुंदा है जिवें आ मन के चलो एक कबर है, इस कबर दे विच इंसान नू बिठा दिता जावे। ठीक है, इंसान नू कबर दे विच बिठा के दफन किया जाए उसनू आंशिक समाधिकरण कहा जाता है। तो जो पूर्ण समाधिकरण की आप गल करते हाँ, इस दे विच जो इंसान है इसनू पूरा लिटा दिता जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण समाधिकरण है। तो इस तरीके तीन जिहड़ियां आपां चीज़ां देखियां, फिर उस तो बाद एक चीज़ होर जिहड़ी आपां ध्यान दे विच लैके आउणी है गल, वो है जी नगर का नाम याद रखना है तुसी सारिया ने, तो इस नगर का नाम है हड़प्पा। इस हड़प्पा तो सानू विदेशी लोगों नू दफनाए जाण दा सबूत जिहड़ा है वह भी मिलिया है। सवाल बन सकता है किहड़ा वह नगर है जिथे सानू विदेशी लोगों नू दफनाए जाण दा सबूत मिलिया है, तो वो हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हुण इसे नू तुसीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हो ताबूत, क्योंकि विदेशी जिहड़े लोग सी ना उन्हां नू लकड़ी के बॉक्स के विच पा के दफनाया जाता सी, ते लकड़ी के बॉक्स नू ताबूत ही बोलिया जाता है, ते ताबूत के सबूत सानू जिहड़े ने ओह हड़प्पा तो ही मिले ने। ठीक है, इस तरीके एक जगह है जी पंजाब दे विच जिसका नाम तुहानू पता ही है जी, ये हो जाएगी रोपड़। इस रोपड़ नामक जगह के उपर देखा जाए तो इतों एक कबर के विच एक मालिक, तो इस मालिक दे नाल इसका एक कुत्ता, इन दोनों के कंकाल, कंकाल का मतलब हुंदा है पिंजर स्केलेटॉन, ये मालिक ते उसके कुत्ते का जिहड़ा स्केलेटॉन है ना वह पाया गया है। तो यह भी चीज़ां तुहानू पता लगनियां चाहीदियां ने, ये आपां गलबात कीती। तो ये कुछ खास खास फीचर्स सी जिहड़ियां सिंधू सभ्यता दियां आपां पढ़ियां। हुण देखो ये जिहड़ी सभ्यता है ये खत्म भी हुई, इसका डिकलाइन भी होया, इसका पतन भी होया, तो हुण आपां पढ़ांगे सिंधु सभ्यता का पतन। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन के उपर अगर आप गल करिए सब तो पहला इसका जिहड़ा कारण मन्या जाता है जी, वो मन्या जाता है आर्या लोगों का हमला, या जिसनों तुसीं इस तरीके नाल भी कह सकते हो विदेशी हमले। ठीक है, पहला कारण सिंधु सभ्यता के पतन का ये आर्या लोगों का हमला या विदेशी हमले जिहड़े ने मन्ने जाते हैं, तो इस नू दो बंदे ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक तो है मार्टिन वहीलर, ठीक है, एक है मार्टिन वहीलर, तो दूसरा है गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ये दो इंसान ने जिहड़े की कहिंदे ने सिंधु सभ्यता का पतन जिहड़ा होया है ना वो आर्या लोगों ने जदों हमला किया उन्हां दे हमले दे नाल होया है। ठीक है,
फिर उस तो बाद आपां अगर गल करिए तां दूसरा जिहड़ा इसका पतन का कारण है वह है जी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जिहड़ा है जी वह हो गया सी। इसनू किसने सपोर्ट किया है तो यह है जी ऑरेल स्टाइल। ऑरेल स्टाइल जिहड़े ने जी वह इसनू मनते ने भी सिंधु सभ्यता के पतन का मेन कारण जिहड़ा है जी वह जलवायु परिवर्तन जिहड़ा है आपां कहने हां। उस तो बाद अगला जेकर आपां देखिए तो वह हो जाएगा जी कारण इसके डिकलाइन का, यह हो जाएगा फ्लड, जिसनू आपां पंजाबी दे विच हड़ भी कह दिंदे आ। ते जिहड़ा हड़ है सब तो ज़्यादा वैलिड जिहड़ा है ना वो यही मन्या जाता है। तो दस्या जाता है कि जो इंडस रिवर है तो इस दियां जिन्नियां भी ट्रिब्यूटरीज हैगियां ने या कह दो जो सहायक नदियां ने इन्हां दे विच की आ गया सी फ्लड आ गया सी ते लोग जिहड़े ने वो इस पानी दे विच बह गए ते मारे गए ते इसका कारण जिहड़ा है जी डिकलाइन का बनिया। इस गल नूं सपोर्ट करन वाले कई बंदे ने उन्हां दे विच सब तो ज़्यादा वैलिड है जी मैके। तो यह सवाल बनिया भी होया है मैके दे अनुसार किहड़ा मत जिहड़ा है जी सब तो ज़्यादा वैलिड मन्या जाता है जी पतन का, तो वह है हड़। इस तो बाद अगर आप गल करिए तो अगला एक कारण इसका होर भी मन्या जाता है जी डिकलाइन का, वह हो जाएगा भूचाल, जिसनों आप अर्थक्वेक भी कह दें। तो अर्थक्वेक के सबूत जिहड़े ने जी सानू कालीबंगा तो मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास खास इसके कारण से डिकलाइन करन दे, भी डिकलाइन क्यों हो गई आ सिंधु सभ्यता, वह सारिया चीज़ा आप इस देखिया। नैक्सट आप इस देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बहुत सारे नगर पाए गए हैं, उन्होंने नगरों के सानू किस प्रकार के अवशेष मिले ने, की उतों सानू सबूत मिले ने, उन्होंने उपर आप गल करांगे। तो देखो पहला नगर जिस दे बारे में आप पढ़न जा रहे हैं जी, इस नगर का नाम है मोहनजोदड़ो या जिसनों आप मोहनजोदारो भी बोल दें। काफ़ी सारे पॉइंट जिहड़े ने जी इस दे उपर बनते हैं, तो कई सारे सवाल जिहड़े इस दे बारे में पूछे भी गए ने। मोहनजोदड़ो सब तो पहला तो याद रखना है जी ये नगर जिहड़ा है जी ये पाकिस्तान दे विच पएगा, तो पाकिस्तान दे विच लरकाना जिला है जिस जिले दे विच तुहानू इसकी होंद जिहड़ी है वह मिलेगी। उस तो बाद अगर देखा जाए तो इसका जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है यह है जी मृतकां दा टिल्ला। इसके कई होर नाम भी हैगे ने, कई होर नामां नाल भी इसनूं जाणिया जांदा है। तो होर नामां दे विच अगर आपां देखिए तो इसनूं सिंध दा बाग भी किया जाता है, इसनूं सिंध दा बाग भी किया जाता है, इसनूं सिंध दा नखलिस्तान, सिंध दा नखलिस्तान भी इसनूं कहा गया है। तो कुछ खास खास जिहड़े फैक्ट इस दे बारे विच हैगे ने, शुरुआती जिहड़ियां चीज़ां ने वो तुहानूं इस दे बारे विच पता होनियां चाहीदियां ने। अगली गल जेकर आपां इस दे बारे विच करिए तो वह है जी खेत्रफल दे पक्षों, ते दूसरा है जनसंख्या दे पक्षों। ये जिहड़ा नगर है जी सिंधु सभ्यता दे विच सब तो वड्डा नगर जिहड़ा है जी इसनूं मन्या गया है। सिंधु सभ्यता दे ओवरऑल जिन्ने भी नगर पाए गए ने उन्हां दे विच सब तो ज़्यादा जनसंख्या दे निवास वाली जगह ते सब तो खेत्रफल जिसका ज़्यादा है वह जगह जिहड़ी है जी ये साडी मोहनजोदड़ो ही है। हुण अगला पॉइंट इस दे बारे विच ये भी बनता है कि एक किस नदी दे किनारे है, तो याद रखना है तुसी
इस सिंधु नदी के किनारे जिहड़ा है जी इसकी होंद पाई गई तो 1922 दे विच इसकी जिहड़ी खोज की गई है ये की गई है आर डी बी दे द्वारा राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी जिहड़ा है कि उन्होंने इस दे जिहड़ी खुदाई कह दो या इसकी खोज जिहड़ी है वह की सी। उस तो बाद हुण इत्थे आपां देखांगे कि इस मोहनजोदड़ो दे विच सानूं चीज़ां की मिलियां ने, अवशेष की प्राप्त हुए ने। ठीक है, हुण जदों चीज़ां की गल करिए या अवशेषां की गल करिए तां सब तो पहली जिहड़ी इत्थे चीज़ मिली है जो कई बार पूछी गई है वह है जी विशाल इशनान घर। ठीक, विशाल जिहड़ा है जी इशनान घर इत्थे पाया गया है। इस दी कई बारी साडे कोलों लंबाई चौड़ाई ते गहराई इस दे बारे विच भी पुछया जांदा है। तां जिहड़ी लंबाई है जी ये अप्रोक्सीमेशन आपां कह सकते हाँ 12 मीटर के आसपास है, चौड़ाई जिहड़ी है जी 7 मीटर के आसपास है, तो गहराई जिहड़ी है अप्रोक्सीमेशन 3 मीटर के आसपास इसकी मन्नी जाती है। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए तां इस विशाल इशनान घर का जिहड़ा यूज़ किया गया है ये किया गया है जी धार्मिक उद्देश की प्राप्ति लिए, मतलब आपां कह सकते हाँ धार्मिक परपस वास्ते इसका यूज़ किया गया है। तो इस नु किस दे अनुसार मन्या जाता है तो ये मैके दे अनुसार है। मैके दे अनुसार विशाल इशनान घर का जिहड़ा यूज़ किया गया है वो एक धार्मिक उद्देश दे लई किया गया है। फिर उस तो बाद इसे मोहनजोदड़ो दे विच सानू कुछ पुरोहितां दे निवास जिहड़े ने वह भी प्राप्त हुए ने, पुरोहितां दे कुछ निवास जिहड़े ने वह भी सानू प्राप्त हुए ने। ऐसे मोहनजोदड़ो दे विच सानू सभा भवन दे जिहड़े अवशेष ने वह भी प्राप्त हुए ने। इसे मोहनजोदड़ो तो सानू एक नर्तकी तुसी कह सकते हो भी एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, नर्तकी दी जो मूर्ति है ये भी सानू इत्थों मिली है। नर्तकी दी मूर्ति त्या नर्तकी दी मूर्ति जिहड़ी बनी हुई है जी एक कांसे दी बनी हुई है। ते कांसा मैं तुहानू दस्से सी कांसा कादा बनदा है, कांसे नू बनाउण वास्ते तांबा है, तांबे दे विच टिन मिलाया जाएगा ते कांसा जिहड़ा है बन जाएगा। नर्तकी की मूर्ति जिहड़ी है जी अगर पूछ लिया जाए वर्तमान दे विच कित्थे पई है तो वर्तमान दे विच ए दिल्ली दे विच नैशनल म्यूजियम दे विच तुहानू ये प्राप्त होएगी। ठीक है, तो इस तरीके नाल कुछ एक चीज़ां सी जिहड़ियां आपां देखियां। अगली आपां जेकर गल करिए तां जिहड़ा साडा मोहनजोदड़ो है इस मोहनजोदड़ो दे विच सानू कुछ एक होर चीज़ां जिवें आपां कह दिए अन्न भंडार इस दे बारे विच भी कुछ अवशेष जिहड़े प्राप्त होए ने। ते अन्न भंडार जिहड़ा है जी ये सब तो वड्डी इमारत जिहड़ा है जी मन्नी जाती है। कदे भी तुहाडे कोलों पुछ लिया जावे सिंधु सभ्यता दे विच पाइया गई इमारतों के सब तो वड्डी इमारत केड़ी मन्नी जाती है तो वह हो जाएगी साडे कोले मोहनजोदड़ो तो प्राप्त जिहड़ा सानू अन्न भंडार होया है। अन्न भंडार नूं तुसी इंग्लिश दे विच ग्रेनरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो वह सारिया चीज़ा इत्थों सानू मिलियां ये चीज़ा आपां देखियां। अगली जेकर आपां गल करिए नगर हो जाएगा जी साडे कोले हड़प्पा। हुण आपां इस हड़प्पा नगर के बारे में देखांगे
सब तो पहला सवाल, हड़प्पा जिहड़ा है जी ये किस नदी के किनारे है? तो नदी तो उन्हें पता होनी चाहिए है जी। नदी आप देखी तो नदी हो जाएगी ये केड़ी पला, ये हो जाएगी रावी नदी। हड़प्पा जिहड़ा है जी ये पहला नगर है जिसकी की हुई सी खोज हुई सी, या कह दो जिसन खोजा गया सी। तो ये खोज करन वाला जिहड़ा इंसान है इसका नाम सी दया राम साहनी। दया राम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। ते कई बार ये भी पूछा जाता है कीती कदों सी, तो 1921 दे विच कीती। पहला नगर सी, इसे करके इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम भी आप दिने हाँ। हुण उस तो बाद अगर आप गल करिए ध्यान दे नाल चीज़ां नूं देखना बई इत्थों सानू जो चीज़ां मिलियां ने वह खास ने। जिमें आप कह दिए नारी दे पेट विचों पौधा निकलता होया दिखाया गया है। ये चित्र बनया होया है एक मोहर के उपर। तो ये सवाल बन भी सकता है भी अजिही मोहर जिसके उपर एक नारी दे पेट विचों पौधा निकलता होया दिखाया गया है ये कितों मिली सी? तो ये मिली है जी हड़प्पा तो। तो नारी दे पेट विचों पौधा निकलता होया जिहड़ा दिखाया गया है ये किस चीज़ नूं रिप्रजेंट करता है? तो याद रखना है जी ये धरती की जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी जो है उपजाऊ शक्ति नूं रिप्रजेंट करता है। तो वैसे भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने धरती की जिहड़ी उपजाऊ शक्ति है उसनूं माता के रूप के विच पूजिया है। वह चीज़ां तुहाडे सामने आईआं। इस तों बाद अगर आपां गल करिए तां कुछ हड़प्पा तो सानू लकड़ी दे बने हुए तबूत, लकड़ी दे बने हुए ताबूत जिन्हां नूं आपां कह सकते हाँ मरे हुए लोगों नूं दफनाउण वास्ते यूज़ किया जाता सी। ते ये चीज़ मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया हाँ भी हड़प्पा दे विच सानू विदेशी लोगों नूं दफनाए जाने दे सबूत भी मिले ने। ये चीज़ां भी खास होईआं। फिर उस तो बाद अगली चीज़ जो इत्थों मिली है सानू वो है जी कि जिहड़ा बर्तन है या कह दो बर्तना दे उपर मछुआरे दे चित्र, मछुआरे जिहड़े मछलियां पकड़न वाले हुंदे ने उन्हां दे चित्र जिहड़े ने जी बर्तना दे उपर सानू मिले ने। उस तो बाद पैरां दे विच पैरां दे विच गरुड़ दबाए हुए एक बाज का चित्र जिहड़ा है जी वह भी सानू इत्थों ही एक मोहर के उपर प्राप्त होया है। तो ये कुछ चीज़ां सी जो आपां देखियां। हुण दो नगर आपां पढ़े ने, एक नगर सी अपने कोले मोहन जोदड़ो ते दूसरा पढ़िया है आपां हड़प्पा। इन्हां दोनों नगरों नूं ही बोलिया जाता है, दोनों नगरों नूं बोलिया जाता है जुड़वा राजधानिया, सिंधु सभ्यता दियां जुड़वा राजधानिया जिहड़ा है जी वह इन्हां नूं ही बोलिया गया है। तो ये किसने बोलिया सी भला ये भी एक क्वेश्चन बनया होया है। तो ये बोलिया गया है स्टूअर्ट पिगट दे द्वारा, ठीक है। स्टूअर्ट पिगट दे द्वारा मोहन जोदड़ो अते हड़प्पा जिहड़ियां ने ये सिंधु सभ्यता दियां जुड़वां राजधानियां जिहड़ा है जी, ट्विंस कैपिटल इन्हां नूं कहा जाता है। तो तीसरी अगर राजधानी पूछ लिया जाए किस नूं मन्निया जाता है तो वह हो जाएगा साढ़े कोल काली बंगा। तो यह होगी जी गलबात साढ़े कोल किस दे बारे विच भला, यह हो गई है साढ़े कोल हड़प्पा दे बारे विच। हुण इस तों बाद अगला जिहड़ा नगर है साढ़े कोल यह हो जाएगा जी लोथल। तो लोथल दे बारे विच पढ़ांगे हुण। लोथल, हुण इस लोथल की गल करिए सब तो पहली चीज़ यह है जी कि इसकी खोज कदों हुई ते करन वाला कौन सी? दो चीज़ां इत्थे सवाल पहले बन जाते हैं। हुण देखो इसकी खोज जिहड़ी हुई है जी ये हुई है 1954 दे विच। ते इसकी खोज करन वाला जिहड़ा इंसान है
इस दा नाम है एस आर राव। ठीक, फिर अगली पॉइंट इस दे ऊपर ये भी पूछा जाता है कि एक किस नदी के किनारे है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा भोगवा नदी। लोथल पएगा केड़ी स्टेट दे विच, ता ए पएगा जी गुजरात दे विच। ते गुजरात दे विच जिहड़ा ये लोथल पाया गया है, इसे नूं ही बोलिया जांदा है सिंधु सभ्यता दा पतन नगर। इसे नूं तुसी डॉकयार्ड बोल सकते हो, ते इसे नूं ही तुसी सिंधु सभ्यता दी बंदरगाह जिहड़ा है वह भी बोल सकते हो। तां इह कुछ चीज़ां इस दे नाल जुड़ियां आपां देखियां। हुण इत्थों जिहड़े सानू प्राप्त जिहड़े अवशेष होए ने वह की मिलिया है वह आपां देखांगे। सब तो पहला जिहड़ी चीज़ सानू इत्थों मिली है जी कि यह नगर खुद एक बंदरगाह है, तो मतलब बंदरगाह के सबूत सानू इत्थों मिले ने। बंदरगाह के उपर की आएगा, बंदरगाह के उपर आउणगे समुद्री जहाज़ हो गए, किश्तियां हो गई, तो मतलब जहाज़ ते किश्तियां दे सबूत भी सानू इत्थों मिले ने। हुण ए एक बंदरगाह है, बंदरगाह ते पानी होएगा, पानी घरां दे विच भी वड़ सकता है, इस करके उसनू प्रबंधन उसनू कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो इत्थे फिर सानू की है जी लोथल तो जल प्रबंधन दे सबूत जिहड़े ने ओह भी सानू मिलदे ने। ठीक है, जल प्रबंधन दे सबूत भी सानू इत्थों मिले। फिर इत्थों ही सानू मनके बनाउण दे कारखाने जिहड़े ने उहनां दे सबूत भी मिले ने। ते मनके बनाउण दे कारखानियां दे जिहड़े सबूत ने ना ओह कल्ले इत्थों नहीं मिले, एक जगह होर भी याद रखनी है तुसीं जिस दा नाम है चुनहोदड़ो। चुनहोदड़ो तों भी सानू मनके बनाउण दे कारखाने जिहड़े ने ओह मिले ने। तां इह होगी जी इस दे बारे विच गल्लबात। फिर उस तों बाद इत्थों ही सानू चावल पीसण वाली चक्की, चावल पीसण वाली चक्की दे पाट या तुसी आटा वगैरह पीसण वाली चक्की दे पाट भी बोल सकते हो। ठीक, ये भी सानू इत्थों ही मिले ने। उस तो बाद अगली आपां गल करिए तां इत्थों ही सानू कुछ रंगाई कुंड, कुछ सानू इत्थों अग्नि कुंड जिन्हां नू आपां फायर पिट्स भी बोल सकते हाँ, वह भी सानू इत्थों ही मिले ने। चावल दे सबूत जिहड़े ने वह भी सानू इत्थों ही मिले ने। इस तो बाद अगर देखा जाए तो फारस दी मोहर जिहड़ी है वह भी सानू इत्थों मिली है। सवाल यह है भी फारस की है, तो याद रखिए जे प्राचीन समय दे विच फारस ईरान नू ही किया जाता सी, ईरान का नाम फारस है। तो कई बार सवाल बन जे ईरान की मोहर कितों मिली है, तो वह अपना हो जाएगा लोथल। तो ईरान नू फारस कहा गया है, फारस की मोहर कितों मिली है, तो वह भी हो जाएगा साडा लोथल। हुण उस तो बाद घरां दे दरवाजे आपां पढ़िया सी कि मुख सड़क दे वल नहीं खुलते सी। ठीक है, लेकिन लोथल एक अजिहा नगर है जिथे घरां दे दरवाजे मुख सड़क दे वल खुलते सी। ए एक खास आपां कह सकते हाँ गल सी। कई बार सवाल बन सकता है अजिहा केड़ा नगर है जिस दे घरां दे दरवाजे जिहड़े ने वो मुख सड़क दे वल खुलते सी, तां वह हो जाएगा जी साडे कोले लोथल। ते लोथल एक मात्र अजिहा नगर है जिस दे घरां दे दरवाजे जिहड़े ने जी साडे मुख सड़क दे वल खुलते रहे ने। इस तों बाद अगला नगर जिहड़ा है जी अपने कोले इह हो जाएगा कालीबंगा। हुण इस कालीबंगा नगर की आपां गल करिए तां खोज जिहड़ी इस दी कीती गई है ये कीती गई है जी अमलानंद
घोष के द्वारा। तो अमलानंद घोष ने एक खोज की है जी कित्थे भला राजस्थान दे विच, ते राजस्थान दे विच हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले दे विच जिहड़ा है जी आ सानू नगर पाया जाता है कालीबंगा। तो इसका जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है, इसका जिहड़ा शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा काले रंग दियां चूड़ियां। काले रंग दियां चूड़ियां जिहड़ा है जी इसका शाब्दिक अर्थ आपां लिया है। उस तो बाद हुण इत्थे सानू की कुछ मिलिया है, तो इत्थों सानू जिहड़े प्राप्त अवशेष हैगे ने वो की मिले ने उन्हां दे उपर देखिए। तो प्राप्त अवशेषां दे विच देखिया जावे तो ये एक अजिहा नगर सी जिस दे दोनों टिले फोर्टिफाइड ने। फोर्टिफाइड का मीटिंग मैं तुहानू पहलां दस्या सी दुर्गीकृत, जिथे प्रोटैक्शन प्रोवाइड करवाई गई दोनों टिले जे, दोनों टिलियां जिहड़ा है जी फोर्टिफाइड किया गया है। एकमात्र अजिहा नगर जिस दे दोनों टिले फोर्टिफाइड ने वो कालीबंगा है। हुण उस तो बाद इत्थे होर की कुछ मिलिया है जी, तो इत्थों सानू कुछ सरों कुछ राई दे सबूत जिहड़े ने वो भी सानू इत्थों मिले ने। इत्थों ही सानू ऊठ दे सबूत जिहड़े ने वो भी सानू इत्थों मिले ने। इत्थों ही सानू कुछ अग्निकुंड दे सबूत जिहड़े ने वो भी मिले ने। तो इसे कालीबंगा दे विच ही सानू देखिया जावे तो भूचाल दे सबूत जिहड़े ने वो भी इत्थों ही मिले ने। हुण इस तों बाद शिवलिंग दी पूजा दे सबूत, शिवलिंग दी पूजा दे सबूत जिहड़े ने वो भी सानू इसे कालीबंगा तो ही प्राप्त होए ने। तो ये कुछ खास खास चीज़ां सी जो आप देखियां। तो एक होर इस दे विच तुसी ऐड कर सकते हो वो है जी बेलनाकार किस्म दियां सील या कह दो मोहरां। बेलनाकार किस्म दियां मोहरां कित्थों मिलियां ने तां ये भी सानू कालीबंगा तो मिलियां ने। तो इत्थों अंदाजा हो जाना चाहिए तुहानू कालीबंगा दे विचों जिहड़ियां बेलनाकार मोहरां मिलियां ने ये किहड़ी सभ्यता दे नाल जुड़ियां होईयां ने। तां ये मैसो पोटामिया सभ्यता दियां मोहरां ने, क्योंकि मैसोपोटामिया सभ्यता दियां मोहरां दा आकार बेलनाकार सी। सवाल बन सकता है मैसोपोटामिया सभ्यता दियां मोहरां कित्थों मिलियां ने, तां ये हो जाएगा कालीबंगा। तो मैसोपोटामिया सभ्यता दा जिहड़ा एक होर नाम भी है ये भी याद रखना है, इसनू कहा जाता है जी सुमेरियन सभ्यता। मैसोपोटामिया सभ्यता नू सुमेरियन सभ्यता दे नाम नाल भी जानते हैं। तो ये कुछ खास खास नगर सी जिन्हां दे बारे में आपां गल कीती। कुछ एक होर नगर जिहड़े ने जी वो रह गए ने, उन्हां नू आपां नैक्सट देखांगे। उम्मीद करता हाँ सारयां नू बहुत वधिया तरीके दे नाल चीज़ां समझ आईयां होणगियां। ध्यान दे नाल चीज़ां नू नोट करना सारयां ने, वधिया नोट्स बनाने ने बई सारयां ने। ऐसे तरीके नाल ही तुसीं नोट्स बनाते जाओ, एक एक पॉइंट तुहाडा जिहड़ा है जी वो क्लीयर हुंदा जाएगा। धन्नवाद जी, नमस्कार।